अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही इजी है और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत कम मसालों से तैयार हो जाता है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं आपको बाकी स्टेप्स बताती हूँ। जी, मैंने पास्ता बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून कोई भी ऑयल, बटर, कुछ भी आप डाल सकते हैं। मैं इसमें ऑलिव ऑयल डालूंगी। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसमें मैंने 2 बेक टमाटो डाले हैं। इसका मैं थोड़ा सॉफ्ट करूंगी कवर करके। जब तक टोमेटो सॉफ्ट हो रहे हैं आप स्पाइसेस देख लें। ये मिक्स पिकल है, अचार, कोई सा भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। 1 बिग टेबलस्पून है। ये 1 चिकन क्यूब एक काफी है। 1 टीस्पून सॉल्ट है। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है। 1/2 टीस्पून टर्मेरिक है, हल्दी, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है। ये मैंने 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जी, ये टोमेटो सॉफ्ट हो चुके होंगे तो अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस डाल दूंगी जो आपसे मैंने शेयर किए थे। अचार, चिकन के गरम मसाला, सारे डाल जाएगा। इसी पॉइंट पे हम 1/2 कप से भी कम पानी शामिल करेंगे, गुड मिक्स करेंगे। इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। चलिए, 5 मिनट हो चुके हैं तो मसाला चेक करते हैं और ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये डन हो चुका है मसाला हमारा। अब हम इसमें ये जो मैंने 1 पाउंड बॉईल करके रखा था ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। और टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैं इसमें 1 टेबलस्पून बटर डालूंगी। ये 1 क्यूब है, 1 टेबलस्पून है। फिर मैं इसको 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। आफ्टर 3 मिनट्स ये रेडी टू ईट है। डिश आउट करके दिखाते हैं। गार्निशिंग के लिए मैं इसमें डालूंगी ग्रीन अनियन, ऑप्शनल। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।